कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से सिनेमा घरों में रिलीज हुई है तब से ही निर्देशक विवेक अग्निहोत्री सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त करने के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सीएम ने कहा कि दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त करने की मांग करने वाले भाजपा विधायकों को फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर देना चाहिए, ऐसा करने से सभी लोग मुफ्त में फिल्म का आनंद ले पाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर का रिएक्शन सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक ने हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल में चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल का दौरा किया, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत की। जब उनसे दिल्ली के सीएम के हालिया विवादित बयान पर टिप्पणी की प्रक्रिया के लिए कहा गया तो अग्निहोत्री ने जवाब दिया, कई लोग तो यह भी चाहते हैं कि भगवान पृथ्वी पर आ जाए। उन्होंने आगे कहा, तीनों श्रेणियों मूर्ख पागल और बेवकूफ के लोगों से बचना चाहिए, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। इससे पहले फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स को सिनेमा हॉल में ही जाके देखना, आप लोगों ने 32 साल बाद कश्मीरी हिंदुओं के दुख को जाना है, उनके साथ हुआ अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई दी है, लेकिन जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कृपया उनको भी अपनी ताकत का एहसास कराओ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।